गुड इवनिंग। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्टेटस क्या है, जिसे हिंदी में प्रस्थिति कहा जाता है। मनुष्य समूह या समाज में कोई न कोई स्थान ग्रहण करता है, पद ग्रहण करता है, लेकिन वही व्यक्ति जगह जगह पर उसका स्थान या पद परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार में मुखिया का दर्जा प्राप्त करता है और उसे उस स्थान पर श्रेष्ठ समझा जाता है, लेकिन किसी दफ्तर में अगर वह चपरासी के पद पर कार्य करता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का स्थान नीचा होता है। इस तरह से देखा जाए तो एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातों से गुज़रता है और उन्हें भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार का पद प्राप्त होता है। जैसा कि मैरिल और इलियट ने समाजशास्त्री अध्ययन कर परिस्थिति के बारे में बतलाया कि व्यक्ति लिंग, आयु, व्यवसाय के आधार पर उसे स्टेटस का दर्जा मिलता है। जैसा कि समाज में दो प्रकार की परिस्थिति होती है, पहला प्रदत्त और दूसरा अर्जित। प्रदत्त में देखा गया है कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसे स्टेटस मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है तो वह उच्च स्टेटस कहलाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति में जन्म लेता है तो उसे निम्न स्टेटस का दर्जा मिलता है। इस तरह से भिन्न भिन्न परिस्थिति में परिस्थिति की संज्ञाएं दी गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हरिजन आर्मी में मेजर के पद पर कार्य कर रहा है तो उस समय उसकी परिस्थिति उच्च होती है, लेकिन जाति में देखा जाए तो उसकी स्थिति निम्न होती है। दूसरा अर्जित स्टेटस, अर्थात अगर कोई व्यक्ति कर्म के आधार पर अपने आप को इस प्रकार से स्थापित करता है और बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। आज देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को उच्च श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं जैसे नायर गारों में स्त्रियों को उच्च स्थान मिला है। इस तरह से देखा जाए तो परिस्थिति के बारे में यही वर्णन किया गया है। एक ही व्यक्ति का स्टेटस बदलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।